बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर लोहारू से बड़ी जानकारी। लोहारू पहुंचे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल और पहुंचने का मकसद आप ये जरूर समझिए। दरअसल हुआ ये था कि कुछ दिन पहले ओलावृष्टि की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से, तेज हवाओं की वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था और किसान लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि सरकार हमारी सुने, कि जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करें या सबसे पहले स्पेशल गिरदावरी करवाए और मौके का मुआयना करने के लिए खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ग्राउंड जीरो पर हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा जो किसानों को इन तेज हवाओं की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने भी कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, किसानों से रूबरू हुए। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात कही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, स्पेशल गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, बीमा वाले किसानों को बीमे का क्लेम मिलेगा, जिनका बीमा नहीं है उनकी भरपाई सरकार करेगी। ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया है। चलिए बढ़ते आगे, एक और महत्वपूर्ण खबर जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री लगातार एक्टिव मोड में हैं और जो किसानों को नुकसान हुआ है उन पर उनसे जानकर ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से किसानों को जो नुकसान हुआ है तेज बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से। तो ग्राउंड जीरो पर कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओलावृष्टि की वजह से, तेज हवाओं की वजह से, तेज बारिश की वजह से जो पिछले कुछ दिन पहले हुई थी, तो किसानों की गुहार सुनने के बाद बाकायदा खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, बाकायदा पगड़ी भी पहनाई और जो किसानों को नुकसान हुआ है बाकायदा इसको लेकर आश्वस्त भी किया, निश्चिंत किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी और जिन किसानों का बीमा हो रखा है, बीमा वाले किसानों को बीमे का क्लेम मिलेगा और जिनका बीमा नहीं है उनकी भरपाई सरकार करेगी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राउंड जीरो पर कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद थे, उन्होंने किसानों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। तो लोहारू पहुंचे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल, जहां पर ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी जाना और ग्राउंड जीरो पर रहकर फसलों को हुए नुकसान को भी देखा। तो फसलों के नुकसान का जायजा लिया है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। और हर राज्य सरकारों के पास इस तरह के अगर कृषि मंत्री हों तो किसान जाहिर सी बात है कि निश्चिंत हो जाएंगे कि सरकार हमारे साथ है, सरकार किसानों को हुए और फसलों को हुए नुकसान की भरपाई जरूर करेगी। किसान फिर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त रहते हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी इस बात की वानगी पेश करती हैं। शाम को रात को कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है और इससे लगभग जो काटने के लिए तैयार फसल थी, सरसों की, गेहूं की, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैंने आज यहाँ देखा है पहाड़ी में, शिवानी में, खरकड़ी में बेहद नुकसान है किसानों की सरसों में। स्पेशल गिरदावरी के लिए इनको बोल दिया, जो बीमा वाले किसान हैं वो सब फार्म भर के दे दें, क्योंकि बीमा कंपनी का कानून ये है कि 36 घंटे में उनको फार्म भर के देना होता है। और मैं सब जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको बोलूँगा कि गांव-गांव में जा कर के वो फार्म भरवाएं। और यही आदेश मैं बाड़ा में दूंगा, यही महेंद्रगढ़ में, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है बीमित किसान है उसको बीमा कंपनी से भरपाई कराएंगे मुआवजे की, और जो नई बीमा की किसान हैं उसके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। हमारी
मुख्यमंत्री जी जो किसान हितैषी फैसले लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते, हमेशा उनको चिंता रहती है कि किसान का कोई नुकसान हो, किसान की बजाय सरकार अपने ऊपर ले। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, पहले भी उन्होंने अच्छी खासी राशि जो पिछले साल नुकसान हुआ था वो दी है, और 25% जो 12,000 से बढ़ा करके 15,000 मुआवजा भी किया है, और उससे 560 करोड़ रुपये किसानों को मिले, जिसमें भिवानी ज़िले के 127 करोड़ रुपये है।